रेडी हो चलें फिर? हाँ चलो चलो फिर। अब तो आए मैक्स में और यहाँ से बैठ गए हम रोड बाइक में। लड्डू पेड़ बनाओगे? और चाचा दादी और मामा देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज सोमवार और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गया हूँ बिजनौर जाने के लिए। और आज कोटद्वार में मेरा है तीसरा दिन, लेकिन आज मैं बिजनौर जा रहा हूँ। तैयार हो गए मैं, दादी, ताऊ। सुबह सुबह का माहौल है, 9 बजे का, धूप निकल के यहाँ भी तेज। और देखो सूरज देवता के दर्शन मैंने आपको करा दिए सुबह सुबह। और आज भी बहुत तेज गर्मी होने वाली है, बादल एकदम साफ पड़े हैं ऊपर। रेडी हो चलें फिर? हाँ चलो चलो फिर आ जाओ। गाड़ी नहीं है ना, तो गाड़ी को इतना मिस कर रहा हूँ कि गाड़ी होती तो एकदम चले जाते। अभी बस में जाना पड़ेगा और बस का वेट कर रहे हैं हम लोग। कौन सी नीचे खड़ी तो है दो बस, दोनों में से कौन सी बस जाएगी। और देखो नीचे दो दो बस तैयार हो रही है, एक तो ये रही और एक वो खड़ी। देखो ताऊ ना उससे कहने गए हैं कि हम भी चलेंगे बस में, ये रोकने गए। देखो ताऊ सामने जा रहे हैं, वो तैयार हो गई जाने के लिए, बट वो तो मुझे नहीं लगता रुकेगी। और ये भी नहीं रुकेगी, चले गए, कुछ तो बात हुई है। चलें वो तो गई, ये चढ़ गए ताऊ। तो पूछने तो गए हैं बस में कि कौन सी बस जा रही है, ताऊ आके बताएंगे। आ गए, बात हुई है बस वाले से? बात हुई ना, ना यहीं से पकड़ेंगे डायरेक्ट, यहीं से पकड़ेंगे आगे। चलो तो ये नहीं जा रहे? ये ना, ये तो रुक के जाऊंगा। रुक के जाएंगे बस वाले थे, एक तो बस चली गई और दूसरी बस जो जाएगी वो थोड़ा रुक के जाएगी, तो हम लोग अब आगे से पकड़ेंगे बस। ये हम लोग क्योंकि लेट भी हो रहा है ना। शिवम तो रखा उस रूम में सो और ताई चली गई मंदिर। ताई से हम लोग मिल लिए और खुशी है रही। नमस्ते, बाय है, चल मिलेंगे, आएंगे फिर दोबारा। और दादी देखो नीचे जाने की लगी, तो अब चलते हैं घर के लिए। ताऊ निकल गए आगे और दादी भी जाने लगी। जब आप तो आए मैक्स में और यहाँ से बैठ गए हम रोड बाइक में बस में। दादी बैठ गए, अभी ये बस पता नहीं कितनी देर में चलेगी, कितना टाइम लगेगा सब चलने में? चलेगी 5-10 मिनट बाद। और यहाँ से लगेगा हमें कम से कम 1 घंटा घर पहुँचने में, तो 10 बजे जाएंगे घर पहुँचने में, 10:30। घर पहुंच गए हम लोग और हम पहुंचे 10:15। बाकी अब नाश्ता करेंगे और उसके बाद लगेंगे अपने काम पे। देखो सब लोग, बहुत बहुत दिन में देख रहे होंगे आप चेहरे, और अब ताऊ आ गए। तो दोस्तों आज बहुत दिनों बाद रोडवेज का सफर किया और बुरा हाल हो गया, मतलब गर्मी में एकदम बढ़िया से। पहले तो आए मैक्स में नजीबाबाद तक, नजीबाबाद से फिर आए रोडवेज में और फिर रिक्शा करके घर आ गए। बाकी अब लगते हैं अपने काम पे, अपना काम वगैरह करते हैं, देखते हैं और फिर दिन में देखते हैं कि क्या करना है। और शिल्पी भी तैयार हो गई, अपनी ट्यूशन जा रही, कहाँ कोचिंग? दोस्तों देखिए मैं रखा था अपने गाय वाले रूम में, रिंग को डाला गाय को कुट्टी। अभी आई है क्या? अभी अभी भी आई है, भूखी थी बहुत देर से, बोल रही थी पता है। तो इधर देखिए डाल दी है इनने, और पलटी कहाँ है वो तो आपको पता ही है, ये पलट रखी कुट्टी, फैला भी थी। शाबाश रिंकू सेठ। और मौसम नहीं कहूँगा कि बारिश का हो गया, क्योंकि मौसम कभी छाँव कभी धूप वाला मौसम हो रहा है, लेकिन ऊपर देखो पूरा खुले हुए हैं बादल, तो धूप अभी थी, अभी एकदम छांव वाला मौसम और गर्मी हो रही है तकड़ी वाली, तौंस वाली गर्मी, बढ़िया वाली। रिंको ठंडी लगा भाई, बंद कर दे लॉक। सेंट्रो हमारी तची रही है और टियागो तो खैर पेड़ के नीचे खड़ी है। बाकी रिंको 2-3 दिन में कोट दूंगा तो मौज आई है? हाँ पढ़ाई वढ़ाई हो रही है, चल भी रही है कि नहीं? चल रही है, चल रही है, चल रही है। तो रिंकू स्कूल से आ गया था, मनु कुन्नू का आना बाकी। शाम के 6 बज गए हैं, 6:15 हो गए, और ये पीछे देखिए मम्मी और कोमल तो लूडो गेम चल रहा है, और मनु की क्या चल रही है? क्लास चल रही है। किस चीज की? किसकी? फिजिक्स की क्लास चल रही है। उधर दादी क्या कर रही है? दादी बैठी। अच्छा ठीक है, बैठती हो तो लेट जाओ। ना लेट ना रही हो? लेट ना रही, अभी बाहर घूम के आई हो ना? हाँ बाहर सड़क में घूम के आ गया, मजा आ गया। बाहर गर्मी कैसी हो रही है बताओ एक बार? मजा आ गया, मच्छरों ने खा दिया।
बाहर गर्मी कैसे हो रही है एक बार बताओ। बहुत गर्मी हो रही। बहुत गर्मी हो रही। कोटद्वार में कम थी। कोटद्वार दिन भी ऐसी है। इतने दिन बाद जब तुम आई हो कोटद्वार से कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है अपना घर। अच्छा लग रहा है। सच में? सच में। याद आ रही तुम अपने घर की? याद आ रही थी अपने घर की? अपने घर तो अपने घर है। अपना नहीं मैं कह रहा हूँ, याद आ रही थी तुम अपने घर की? अपना घर की याद क्यों ना आएगी। दादी को आज मैं कोटद्वार से ले आया लेकिन दादी का आने का मन नहीं था। दादी कह रही थी एक दो दिन और रुक के आऊंगा। और देखिए बाहर एकदम मौसम हो गया शाम वाला, दिन डरा लेकिन गर्मी हो ही रखी है। और इधर चाची आज तुमने सुबह कपड़े नहीं धोए थे, शाम को धो रही हो? सुबह काम रहे थे। ये देखो अपने शाम को कपड़े धोने लग गए। तो इन्होंने सुबह नहीं धोए थे कपड़े तो अब धो रही है। रिंको कुन्नो कहाँ पर हो भाई? तू क्या कर रहा है? पढ़ने के टाइम सोने की तैयारी हो रही थी शाम के नंबर पे। नींद आ रही। ये शाम के नंबर पे सोता है और रात के नंबर पे खाता है। विशु इधर आओ, इधर आओ, अंदर आओ। स्कूल गए थे आज? हैं? इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ, आओ। ये लड़की आई आज मेरे साथ, विशु। ये बहुत समझदार लड़की है। समझदार लड़की है ना? हाँ बहुत समझदार है। आज मिशु से मैं दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा, मिशु जवाब देगी। मुड़े पे बैठ गई। पूछू क्वेश्चन, जवाब दोगे? याद नहीं है? अरे वैसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बुक वाले नहीं पूछूंगा, ऐसी पूछूंगा, पढ़ाई वाले नहीं पूछूंगा। अपना नाम बता दो एक बार। क्या? तन्वी नाम है इसका। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? और स्कूल का नाम बताओ। मदर डिवाइन पब्लिक स्कूल है ना? अच्छा भाई, स्कूल गए थे आज आप? क्या पढ़ा आज? अच्छा ये पढ़ा था। और ये इसकी बड़ी बहन है, ये सिखा रही है इधर से। अपना नाम बता। सिद्धि। सिद्धि नाम है इसका। गारवी नाम है। गारवी नाम है? गलत क्यों बता रही है? तेरा गारवी स्कूल का है? गारवी स्कूल का है, घर का सिद्धि है, है ना? मैं घर पे मीशू है। हाँ इसके दो दो नाम है, दो दो नाम रख रखे हैं तुमने। तो क्या बनाओगे कल को? लड्डू पेड़े। लड्डू पेड़े बनाओगे? हाँ। थोड़ी सी दे दोगे हमें? इधर देख, थोड़ी सी हमें दे दोगे? पक्की बात? साइन करा लूं तुझसे? साइन कोरे कागज पे, इसे नहीं पेपर दे, मनु से पेपर दे, साइन करवा। इसका अंगूठा लगवा ले, नहीं तो देखा ये इधर साइन करने आवे तुझ पे, अंगूठा लगा देगी? ऐसे अंगूठा लगा दी ताकि तेरे हम पे प्रूफ रहे कि तू हमें कल को लड्डू पेड़ के लागी। 7 बज गए और आजकल 7 बजे ना अंधेरा हो जा रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले मामा आए हैं। मामा क्या लेके आए? समोसे। मीठे समोसे हैं? मुझे लगा नमके हैं। अच्छा तो ये मीठे समोसे आए। देखो आज तो मैं वही वेट कर रहा था, मैंने कब बटेंगे कब बटेंगे। अब चाय के साथ समोसे खाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये हो गया कि मैंने सोचा था नमके समोसे होंगे, चाय के साथ अच्छे रहेंगे, लेकिन हमें मीठे समोसे, तो वो भी हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं चाय के साथ। ये देखिए यहाँ पर बाहर इतनी अच्छा मौसम हो रखा, हवा चल रही है बढ़िया सी, और चाचा दादी और मामा देख रहे हैं। जय हनुमान देख रहे हो ना? मौसम बढ़िया हो रहा है, ठंडा हो गया मौसम, हवा चलवा दी मैंने तुम्हारे लिए। दोस्तों मैं आ गया बाहर घूमने खाना खाने के बाद, और वो लोग पीछे देखो नाटक ही देख रहे हैं, जय हनुमान सीरियल देख रहे हैं। अब तो पापा भी आ गए, पापा भी देखने लगे उनके साथ, बाकी दादी मामा चाचा तो पहले से देख रहे थे। और आज ना हवा बड़ी अच्छी चलने लगी शाम से, जबरदस्त वाली ठंडी ठंडी हवा। मेरे ख्याल से या तो कहीं आसपास इलाके में बारिश वगैरह पड़ रही है तभी इतनी ठंडी हवा चल रही है। दिन में से तो गर्मी हो रखी थी बहुत ज़्यादा, दो तीन दिन से। कोटद्वार में तो बुरा ही हाल था गर्मी से। बाकी अब तो मौसम ठंडा हो गया। अब खाना खा के थोड़ी देर बाहर वॉक कर रहा था, अब थोड़ी देर वॉक करूँगा, उसके बाद जाऊँगा ब्लॉग एडिट करना है। और 10 ऑलमोस्ट बज ही चुके हैं, तो बस ब्लॉग का एंड में यहीं पर करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको दोस्तों जो ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।